प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 106वां एपिसोड प्रसारित हुआ है। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। यहां कनॉट प्लेस में एक खादी स्टोर में एक ही दिन में लगभग 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव में एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे त्यौहार मने हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बारे में ऐसे प्रोडक्ट को घर से रोशन करें जिसमें मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे किसी देशवासी या किसी युवाओं का टैलेंट हो, उसमें बनने में मेरे देशवासियों को रोज़गार हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कोई भी आवश्यकता हो, हम लोकल ही लेंगे। मेरे प्यारे परिवारजनों, नमस्कार। मन की बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये एपिसोड ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश में त्योहारों की उमंग है। आप सभी को आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयां। साथियों, त्योहारों की इस उमंग के बीच दिल्ली की एक खबर से ही मैं मन की बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। इस महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहाँ कॉर्नर प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपये से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये के आसपास पहुंच रही है। खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है।